हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे नए चैनल गाड़ी का खजाना में। और गाड़ी का खजाना में मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे भाई थोड़ा रुक जाओ। अगर आप लोग थार, उसके बाद में अपनी जिमनी जो आई है, अगर आप उसे लेने का ट्राई कर रहे हैं, उसे लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए मेरे भाई। अभी तो अपने पास बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सुहाने रेट्स में अवेलेबल है बहुत सारी कारें, और उसमें से सबसे नई अपनी जो कार आ रही है वो ऑल्टो की, जो आपने कभी नहीं देखी होगी, वो एक नई कार आ रही है और सिर्फ 2 लाख शुरुआती, 2,17,000 की शुरुआती कीमत इसकी होने वाली है। तो ज़रा रुक जाओ, एक मिनट इस कार के ऊपर भी नज़र डाल लो। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो फिर आगे बात भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लॉन्च हो गई है मारुति 800 छोटी पेवी, सिर्फ शुरुआती कीमत 2,17,000 में 800 सीसी पीएस 6 इंजन 5,500 आरपीएम पर 66 पीएचपी की पावर और 3,500 आरपीएम पर 89 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगी ये मारुति छोटी 800 सुजुकी छोटी पेवी। वैसे आप लोगों को बता दूँ, ये जो कार है अभी आने वाली शुरुआती जो 2023 लग चुका है, तो 2023 में आने वाले मार्च महीने के बाद से ये अवेलेबल होगी मार्केट में, वापस कमबैक करने वाली है। जो मारुति 800 लोगों को बहुत पसंद आती थी, सबसे ज़्यादा सेल उसी कार का होता था, अभी मारुति सुजुकी ने इसे एक नए अवतार में डिज़ाइन करा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दोनों आपको गेट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 6 कलर में अवेलेबल होने वाली है, और 6 कलर के साथ एक बार अगर आप इसके इंटीरियर जो ट्रांसमिशन है, जो इंटरनल इसका डिज़ाइनिंग है, अगर इसके तरफ आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त कार है। मुझे ये स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मार्केट में अभी लॉन्च होने ही वाली है और शुरुआती कीमत 2,17,000 बताई जा रही है। कंपनी ने खास ही इसका कंफर्ट जोन का, और दूसरी चीज़ जो इसे उन्होंने सेफ्टी के हिसाब से इसमें 2 एयरबैग दिए हुए हैं, साथ ही इसमें रियल पार्किंग सेंसर ABS जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड वेरियंट में देखने को मिलेंगे। कार के बूट स्पीड्स को लेकर अभी तक तो कोई फोटो या फिर कोई वीडियो अभी तक आया हुआ नहीं है, तो वो तो फिलहाल मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। लॉन्चिंग में बता चुका हूँ, प्राइस का भी बता चुका हूँ, अब बात अगर कुछ रह गई है तो बस कार आए तो हम देखें और एक नया वीडियो बनाए आप लोगों के लिए। फिर भी मैंने ये वीडियो बहुत पहले जारी कर रहा हूँ, शायद किसी के चैनल पर अभी तक आया नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो को भर भर के प्यार देंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, और गाड़ी का खजाना मेरे चैनल में आप लोगों को ये वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों का इंतज़ार करता रहता हूँ, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। सो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और थार और जिमनी लेने के पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि वो ईवी नहीं है।